नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, समय रहते हो जाइए सावधान, आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होने वाला है। अगले चार दिनों में आशा और विश्वास दोनों एक साथ टूटेगा। जी हाँ, और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि आखिर वही हुआ जिस बात का हमें डर था। जी हाँ दोस्तों, आज की पूरी वीडियो ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है। अगले चार दिनों में आपके जीवन में कई सारे बदलाव लेकर आ रहे हैं। कुछ बदलाव आपके लिए शुभ होंगे तो वहीं कुछ बदलाव आपके लिए अशुभ भी होंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में कुछ ग्रह गोचर काफी प्रभावशील नजर आ रहे हैं। इसके तहत आने वाले अगले चार दिन आपके व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए व अन्य सभी स्तरों के लिए अगले चार दिन कैसे रहेंगे, आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा, अगले चार दिन तक आपको किन चीज़ों से बचकर रहना होगा, किन चीज़ों से सावधान रहना होगा, इन सभी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। तो चलिए, समय को ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। परंतु उससे पहले वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगा दीजिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक अनमोल विचार। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को कुछ देना है तो उसे अच्छा वक्त दीजिए, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकती हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकती हैं। जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं, तब आप अपनी जिंदगी का वो अनमोल चीज देते हैं जो कि आपकी जिंदगी में पुनः लौट कर नहीं आएगा। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। वक्त अगर अच्छा हो तो अपने भी अच्छे होते हैं, अगर वक्त खराब हो तो अपने भी खराब हो जाते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा आपके भी साथ हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कहिएगा सही बोले गुरुजी। तुला राशि वालों, दोस्तों अगले चार दिन आपको अपने विवेक और चतुराई से काम लेने का समय है। अगले चार दिन रुपये पैसे के मामले में किसी पर भी अधिक से भरोसा ना करें, नहीं तो आशा और विश्वास दोनों एक साथ टूटेगा, क्योंकि इंसान को बदलने में वक्त नहीं लगता है। पहले मौसम बदलते थे पर इंसान नहीं, लेकिन अब इंसान बदलने लगे हैं मौसम की तरह। इसलिए अगले चार दिन तक किसी पर भी खुद से ज्यादा विश्वास भरोसा नहीं करना है। अगले चार दिन ग्रह गोचर आपके लिए लाभदायक ग्रह स्थितियां बना रहा है। इस समय पिछले कुछ कमियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का है। साथ ही प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात लाभदायक और सम्मानित रहेगी। आपको बता दें, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। इसके उपरांत इस समय स्वार्थ प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि उनकी गलत सलाह आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती हैं। घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना ना करें। आपका और उनका आशीर्वाद, सहयोग व आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा। ध्यान रहे, जरा सी लापरवाही आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। किसी भी काम में दिक्कत आने पर आपके वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह बहुत ही लाभदायक है। अगर कोई परेशानी आ रही है तो एक दूसरे से सलाह मशवरे ले सकते हैं। इस समय बच्चों की गतिविधियों तथा संगत पर भी ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि वे गलत संगति के लग के कारण उनका कैरियर खराब हो सकता है। इस बात का ध्यान आप ही को रखना होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, कभी कभी दूसरों की बातों में आकर आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखें। गुस्से व आवेग की जगह कुछ संबंधों में दरार आ सकती है, इसलिए आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपको गुस्सा आए
तो आपको मौन व्रत का धारण कर लेनी है, नहीं तो या फिर आप किसी एकांत में समय व्यतीत कर सकते हैं। जब तक आपका गुस्सा शांत ना हो जाए, ठीक ना हो जाए, तब तक आपको किसी से बात वगैरह नहीं करना है, तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। देखिए, सितारे कहते हैं अपने आलस की वजह से कोई महत्वपूर्ण काम को टालने का प्रयास इस समय ना करें। इसकी वजह से कुछ कार्यों में विलंब हो सकता है और आपका कार्य लंबे समय के लिए टल सकता है। योजनाओं को वह देखिए क्रियान्वित करते समय कुछ दुविधा जैसी स्थिति रहेगी। अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपको परेशानी से मुक्त कराएगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें, कभी कभी आपका आत्म केंद्रित हो जाना, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना नज़दीकी संबंधों के साथ कटुकता ला सकता है। समय आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें और अपने संपर्क सूत्रों को मजबूत बनाने में भी देखिए समय ना लगाएं, तो ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, देखिए व्यवसायिक गतिविधियों में कार्यों में अभी धीमी रहेगी। इस समय अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने की ज़रूरत है। नौकरी पेशा लोगों को अधिक से अधिक जो ध्यान देने होंगे, कार्य करने होंगे। गलत काम होने से उच्च अधिकारी भी नाराज हो सकते हैं, इसलिए अपने कामों पर ध्यान दें तो ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। देखिए दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, कार्य क्षेत्र में गतिविधियां कुछ धीमी रहेगी। आपको दिन में पेमेंट कलेक्ट करने तथा मार्केटिंग संबंधित कामों में समय व्यतीत करें, इससे आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। नौकरी पैसा लोगों को कुछ बदलाव संबंधित सूचना प्राप्त हो सकती है जो कि आपके लिए बेहतर रहेंगे। किसी नज़दीकी मित्र के साथ मन मुटाव होने से मन आपका व्यतीत रहेगा, परंतु थोड़ी सी सकारात्मक कोशिश आपके संबंधों को पुनः मधुर बनाए रखेगी। दूसरों पर अधिक भरोसा करना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपको खुद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर भरोसा नहीं करना है, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पति पत्नी के बीच सकारात्मक तथा सहयोगपूर्ण संबंध रहेंगे। इस समय बच्चे की किलकारी संबंधित भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नज़दीकियां आने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ यानी कि सेहत को लेकर बात किया जाए तो यह समय सर्वाइकल और कंधों का दर्द परेशान कर सकता है। व्यायाम और उचित खान पान पर ध्यान दें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेंगे। दोस्तों, अगर इन सभी बातों से सहमत हैं, जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम जरूर लिखिए।